अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मुजाहिद रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह राजनपुर में आमद मुस्तफ़ा के मौके पर अजीम शान रैली निकाली गई, जिसकी सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अजमतुल्ला खान द्रेशक ने, जबकि इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह की आमद से इंसानियत ने अपना खोया हुआ मकाम हासिल किया। उन्होंने मजीद कहा कि नबी पाक की जिंदगी तमाम आलम के लिए मुकम्मल ज़ाबता हयात है, तमाम बुराइयों का सबक नबी पाक की तालीमात से दूरी है। आपने दुश्मन को माफ़ करके एक अजीम रवायत कायम की। नबी करीम ने दुनिया में सबसे पहले खवातीन और अकलियतों को हकूक दिए। उन्होंने मजीद कहा कि आज अगर बनी नौ इंसान नबी करीम के बताए हुए असूलों पर पूरी तरह अमल पैरा हो जाए तो दुनिया अमन और खुशहाली की राह हमवार करते हुए तनाज़ात और तनाव का खात्मा कर सकती है। रैली में हजारों की तादाद में आशिकान रसूल की शिरकत, राजनपुर की धरती सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज।